Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about feudalism. So feudalism में हम पहले थोड़ा सा European feudalism के बारे में देखेंगे. Then we will talk about feudalization process in India, जिसमें हम अलग अलग तरह के land grants के बारे में discussion करेंगे. And then we will talk about was actually India had feudalism. So India में क्या actually feudalism exist कर रही थी या feudalism किसी variation में थी. So उन चीज़ों को भी discuss करेंगे. So majorly हम इसमें डी डी कोसाम्बी एंड देन आर एस शर्मा एंड हरबंस मुखिया, इनकी थोड़ी थीसिस के बारे में, इनकी थिंकिंग के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अबाउट फ्यूडलिज्म. एंड थोड़ा बाकी हिस्टोरियंस के बारे में भी जहाँ जहाँ पॉइंट आएगा हम लोग उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो यूरोप के अंदर जब फ्यूडलिज्म के बारे में थिंकर्स ने अपनी राय देनी शुरू की, तो पहले पहले उन्होंने इसको सिर्फ लॉर्ड और वासल के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है यूरोपियन फ्यूडलिज्म में, उसके ऊपर ही इनका फोकस रहा. इस सिस्टम को इन्होंने बैकवर्ड और रिजिड बताया, जिसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आ रहे थे. अब इसमें फ्यूडलिज्म में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था. अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या हुआ कि एक मेजर एक रूलर है और उसके अंडर में बहुत सारे और फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, और काफ़ी हद तक जो लोकल पावर है वो इन लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथों में थी. लेकिन जब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने इनके ऊपर चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, उन्होंने इसमें प्रोडक्शन का क्वेश्चन भी ऐड कर दिया. दैट मीन्स इन्होंने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूडलिज्म को स्टडी करना शुरू किया, लैंड और लेबर के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया और उसके बारे में स्टडी किया. देन टेक्नोलॉजी, ट्रेड, मनी और बाकी जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं उनको भी स्टडी किया गया. तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री आने के बाद जब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर इसको देखना शुरू किया फ्यूडलिज्म को, तो उन्होंने इसको पर्सपेक्टिव को एंटायरली चेंज कर दिया. देन हम देखते हैं कि उसके बाद जो एक फ्रेंच स्कूल है अनेल स्कूल, ये अनेल स्कूल ने जेंडर रिलेशंस की बात भी उठा दी, कल्चरल एस्पेक्ट्स की भी बात उठा दी कि कल्चरल एस्पेक्ट ने भी फ्यूडलिज्म को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है और फ्यूडलिज्म में कल्चरल एस्पेक्ट्स भी दिखते हैं. सो ये तो था थोड़ा सा यूरोपियंस के बारे में. अब हम देखते हैं इंडिया के अंदर फ्यूडलाइजेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. सो गुप्ता पीरियड का जो लेटर फेज है, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, वो फेज रहा फॉरेन ट्रेड में डिक्लाइन का. सो इंडिया से जो जो ट्रेड हो रहा था विद अदर कंट्रीज, उसके अंदर काफ़ी डिक्लाइन आया और डी अर्बनाइजेशन इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गया. फॉरेन ट्रेड में डिक्लाइन, डी अर्बनाइजेशन, प्लस हमने देखा कि क्वाइनेज में भी काफ़ी ज़्यादा जो उसकी आर्टिस्टिक जो चीज़ें थी उसमें भी डिक्लाइन आ गया, उसकी शेप में, साइज में, सारी चीज़ों में डिक्लाइन हुआ. सो दैट मीन्स कि जो मोनेटरी जो सिस्टम था इंडिया का वो भी गड़बड़ा गया था अलॉन्ग विद डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड एंड डी अर्बनाइजेशन इन इंडिया. सो क्योंकि मॉनेटरी सिस्टम भी थोड़ा सही नहीं था इंडिया का उस समय, तो इसीलिए मनी ग्रांट्स जो दिए जा रहे थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को और ब्राह्मण्स को, उनको रिप्लेस कर दिया लैंड ग्रांट्स ने. अब रूलर्स ने ब्राह्मण्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को लैंड ग्रांट्स देने शुरू कर दिए. अब स्टार्टिंग के पीरियड में जब हम गुप्ता का पीरियड बोलते हैं, तो ब्राह्मण्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को तो हम देखते हैं कि लैंड ग्रांट्स दिए जा रहे थे, लेकिन ऑफिसर्स जो थे जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड थे, उन लोगों को ज्यादा यहाँ पे लैंड ग्रांट देते हुए कुछ ज्यादा इसके एविडेंसेस नहीं मिले हैं. लेकिन बाद के पार्ट में इन लियू ऑफ कैश सैलरीज ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट दिए जाते थे, जहां से वो खुद और बाकी जो उनके अंडर में बाकी पर्सनल थे उनको वो जो है सैलरीज प्रोवाइड कर सकते थे थ्रू लैंड ग्रांट्स. और लैंड ग्रांट्स के साथ साथ कुछ जुडिशियल, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी ट्रांसफर कर दी जाती थी अलॉन्ग विद रेवेन्यू राइट. सो अलग अलग तरह की लैंड ग्रांट्स दिखती हैं. एक लैंड ग्रांट तो हो गई जो ऑफिशियल्स को दी जाती थी इन लियू ऑफ सैलरी, जिसके थ्रू वो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर खुद की सैलरी और बाकी उसके अंडर जो बाकी पर्सनल थे उनकी सैलरीज जो है निकालता था. देन सेकंड हो गए ब्रह्मदेय, अग्रहर और देवदया, ये सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को या ब्राह्मण्स को ये लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे. ब्रह्मदेय ग्रांट एक ब्राह्मण को या ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स को दी जाती थी, और इसमें वो पूरा एक विलेज एज ग्रांट दे सकते थे या पार्शली उस विलेज को ग्रांट में दे सकते थे, जहां से इनके पास रेवेन्यू राइट्स इनको मिल जाते थे. देन अग्रहर ग्रांट हो गए जो एक कलेक्टिविटी ऑफ ब्राह्मण्स को मिलते थे, और ये नई सेटलमेंट थी, न्यू सेटलमेंट थी, जहां पे ये प्योरली जो नई सेटलमेंट बनेगी वो ब्राह्मण्स द्वारा ही बनाई जाएगी. अगर हम ब्राह्मदेय को देख लें तो वहां पे एक तरह से मिक्स्ड पॉपुलेशन हो जाती थी, बिकॉज पहले से ही वहां पे लोग सेटल्ड हैं, उसके बाद ब्राह्मण्स को ये लैंड ग्रांट्स दे दिए गए. So, ब्राह्मण्स भी उनके साथ रहने लगे, तो एक तरह से मिक्स्ड पॉपुलेशन बन गई. लेकिन अग्रहर बिकॉज ये न्यू सेटलमेंट है और सिर्फ ब्राह्मण्स को वहां सेटल किया जा रहा है, तो इनिशियली ये सिर्फ ब्राह्मण्स ही अग्रहर के पार्ट में रह रहे होते थे,
देन उसके बाद हो सकता है कि दूसरे लोग भी आ जाए, बट जनरली ये इनिशियल फेज में ब्राह्मण द्वारा ही सेटल किया जाता था। देन तीसरा जो हो गया दैट वॉज देवदान, देवदया या देवग्रहर बोल सकते हैं इसको। ये जो लैंड ग्रांट्स थे देवर गिवन टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, सो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते थे, वो यहाँ के कल्टीवेटर्स को अपने टेनेंट्स की तरह बनाते थे कि ये जो कल्टीवेटर्स हैं वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के टेनेंट्स हो गए और उसी के लिए वो काम कर रहे हैं, या यहां से रेवेन्यू राइट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दे दिए जाते थे। सो ब्राह्मण्स का पर्पस क्या रह गया अब यहाँ पे, सो ब्राह्मण ने जो दूर दराज के इलाके थे, जो आइसोलेटेड भी प्लेसेस थे, वहां पे रूलर्स के रूल को लेजिटिमाइज करना शुरू कर दिया। देन सेकेंड चीज, इन्होंने वैदिक रिलीजन को भी यहाँ पे प्रोपगेट किया, और सेक्युलर और कॉलोनाइजर ये जो रूल थे ये भी ब्राह्मण्स ने यहाँ पे निभाए। सो लेजिटिमाइज करने के लिए रूल को, ये एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ये ब्राह्मण्स ने यहाँ पे प्ले किया। दैट वॉज द रीजन की काफी बड़ी मात्रा में बाद के पीरियड में लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को मिलते रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव सब स्ट्रक्चर की तरह बन गए। ठीक है, इनका मेन काम रहा कि ब्राह्मण्स जब यहाँ पे गए तो इन्होंने नए इक्विपमेंट्स यूज किए कल्टीवेशन के लिए। सो नए इक्विपमेंट्स यूज करने के साथ साथ इन्होंने जो लैंड अंडर कल्टीवेशन था उसको भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, बिकॉज इनको अपना लैंड रेवेन्यू बढ़ाना था। सो लैंड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये जो दो चीजें इन्होंने यूज की, न्यू इक्विपमेंट्स एंड एक्सपेंशन ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन, तो इनसे क्या हुआ कि जो टोटल प्रोडक्शन था क्रॉप्स का वो बढ़ गया। सो टोटल प्रोडक्शन बढ़ाने में भी ब्राह्मण्स ने एक मेजर रोल प्ले किया, ये जो हम फ्यूडलाइजेशन वाला प्रोसेस बोलते हैं इसमें। देन अब हम आते हैं इंडियन फ्यूडलिज्म एंड इनसाइट के ऊपर, दैट मीन्स कि हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि थिंकर्स ने इंडियन फ्यूडलिज्म के बारे में क्या बताया है। सो सबसे पहले जेम्स टोड की बात करते हैं। जेम्स टोड ने 19th सेंचुरी में एक लॉर्ड वर्सल के बीच में किस तरह का रिलेशन राजस्थान के अंदर था उसका डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है इन हिज बुक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इसमें इन्होंने एक तरह से फ्यूडलिज्म के बारे में बताया है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इंडियन हिस्ट्री के ऊपर भी, इंडियन हिस्ट्री की राइटिंग के ऊपर मार्क्सिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हुआ, उसमें जो हमने पहले बोला कि प्रोडक्शन और इकोनॉमिक जो चीजें हैं वो भी आने लग गई, सो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इंडियन फ्यूडलिज्म को देखना शुरू किया। कार्ल मार्क्स की अगर बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि ब्रिटिश एम्पायर से पहले इंडिया में इंडियन जो हिस्ट्री है वो इंडिया दैट वॉज रिलाइंग ऑन एशियटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो एशियटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन ये किसको बोलते हैं, एशियटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं कि सभी लोग उसमें सेटिस्फाइड हैं। सो एक ज्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है लेकिन बड़े छोटे लेवल के ऊपर। अब इससे हुआ क्या, बिकॉज एवरीवन इज सेटिस्फाइड तो यहाँ पे वर्टिकल मोबिलिटी ना के बराबर है, जिसकी वजह से कोई भी किसी भी तरीके से क्लास स्ट्रगल नहीं है, और स्टेग्नेंट इकोनॉमी है, स्टेग्नेंट सोसाइटी है, और ओवर टाइम कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते। यह एशियटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी है। सो ये इंडियन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और इन्होंने एशियटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को एटलीस्ट इंडिया में इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि इंडिया के ऊपर हम लोग एशियटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया, इनका मानना है कि इंडिया वॉज नॉट ए स्टेग्नेंट सोसाइटी और धीरे धीरे उसमें विद टाइम चेंजेस आते रहे। सो सबसे पहले हम डीडी कौशाम्बी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सो डीडी कौशाम्बी ने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसमें इन्होंने फ्यूडलिज्म के बारे में बताया है कि टू वे प्रोसेस है, फ्रॉम अबव एंड फ्रॉम बिलो। सो फ्रॉम अबव क्या हो गया कि फ्यूडल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है बाय स्टेट, और फ्रॉम बिलो क्या हो गया कि कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ ग्रुप्स ये धीरे धीरे विलेज लेवल से लैंडलॉर्ड बने या किंग के वासल बन गए। तो ये हो गया फ्रॉम बिलो लेवल। सो अबव लेवल से जैसे कि हम बोल रहे हैं कि स्टेट ने इसको क्रिएट किया है, स्टेट ने कैसे क्रिएट किया है कि एक पावरफुल किंग है जो पूरी स्टेट को रूल कर रहा है, देन उसके अंडर में बाकी लेसर किंग्स हैं और चीफटेंस हैं। अब ये जो लेसर किंग्स हैं ये छोटे छोटे एरियाज के ऊपर इनका अपना अपना वर्चस्व है, लेकिन अपने एरिया के ऊपर रूल करने के लिए ये जो मेन स्टेट है, जो मेन रूलर है, उसको ये लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं। लेकिन ये किंग्स के पास इतनी पावर नहीं है, ये लेसर किंग्स के पास इतनी पावर नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट हो सके पावरफुल किंग से, लेकिन काफी हद तक जो इंडियन स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन थी दैट वाज अ काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड। अब दूसरा जो इसमें देखते हैं, जो फ्रॉम बिलो बोलते हैं डीडी कौशाम्बी, उसमें ये कहते हैं कि इसमें लैंडलॉर्ड और वासल्स जो थे वो नीचे लेवल से ये उभर के ऊपर आए और लैंडलॉर्ड या वासल्स बन गए, और इस जो चीज को जो एनहेंस किया है दैट वॉज एनहेंस्ड बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड बाय द किंग लार्जली टू ब्राह्मण्स या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसके साथ साथ अपर ब्यूरोक्रेसी को भी कुछ यहाँ पे इन्होंने लैंड ग्रांट्स किए थे, लेकिन बाद के पीरियड में जो गुप्ता के बाद का पीरियड है हमने बोला वो ज्यादा बढ़ता रहा।
लेकिन जब हम लोग आर एस शर्मा की यहाँ पे बात करते हैं, तो वो इस चीज को भी, जो ग्रांट्स ऑफ लैंड है उसको भी स्टेट का ही पार्ट मानते हैं कि स्टेट ने इस चीज को किया है, स्टेट ने ही लैंड ग्रांट्स दिए हैं, इसीलिए फ्रॉम बिलो वाला जो पार्ट है डीडी कौशाम्बी वाला, वो आर एस शर्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उस पर हम आगे आते हैं। ये जो लैंड था, लैंड का रेवेन्यू था, दैट वॉज बीइंग यूज्ड एज इनकम बाय द ग्रांटी। ग्रांटी हो गए, जिसको लैंड ग्रांट किया गया है वो जो लैंड से रेवेन्यू आ रहा है वो उसकी इनकम हो गई। लेकिन डीडी कौशाम्बी ये भी बोलते हैं कि जो इंडियन फ्यूडलिज्म है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन फ्यूडलिज्म, बिकॉज यूरोपियन फ्यूडलिज्म में हमें सर्फडम मिलता है और मेनोरियल सिस्टम मिलता है, ये दोनों सिस्टम इंडियन फ्यूडलिज्म में एबसेंट है। तो सर्फडम हो गया कि कोई भी जो सर्फ है, जो एक पेशेंट है, उसको लैंड के साथ एक तरह से बॉन्डेड लेबर की तरह ट्रीट किया जा रहा है और वो लैंड को छोड़ के नहीं जा सकता, उसी लैंड पे उसको काम करना है। तो उसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन हम आगे कर लेंगे। इंडियन फ्यूडलिज्म जो आर एस शर्मा ने 1965 में जो रिलीज किए पेपर्स, थीसिस इन्होंने बनाई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनका कहना है कि इंडियन फ्यूडलिज्म सिर्फ और सिर्फ स्टेट एक्शन की वजह से ही आगे बढ़ा, हालांकि इसमें इन्होंने बाद में कुछ चेंजेस भी किए थे अपने थीसिस में, वो हम आगे देखेंगे। स्टेट एक्शन से फ्यूडलिज्म का राइज हुआ इंडिया के अंदर। इनका कहना था कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है इंडिया का, वो डिक्लाइन हो गया गुप्ता पीरियड में, और इसके लिए इन्होंने आर्कियोलॉजिकल डेटा के एविडेंसेस भी दिए कि जिसमें इन्होंने दिखाया कि इंडिया के अंदर डी अर्बनाइजेशन हुआ है। तो जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि डिस्टेंस जो ट्रेड था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, वो भी डिक्लाइन हुआ, डी अर्बनाइजेशन भी हुई, और उसके बाद इन्होंने क्वाइंस की बात भी कर दी कि क्वाइंस भी काफी मात्रा उसकी कम हो गई थी। तो क्वाइंस ज्यादा अवेलेबल नहीं होने की वजह से कैश की जगह जो लैंड है दैट वॉज ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स एंड ऑफिशियल्स। जो जो स्टेट थी, जो स्टेट ने जो ग्रांट्स दिए थे, उसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन फ्यूडलिज्म ऐसा बन गया जिसमें एक क्लास ऑफ इंटरमीडियरीज बन गई। लेकिन ये जो क्लास ऑफ इंटरमीडियरीज है, ये खुद नहीं बनी, दैट वाज काइंड ऑफ क्रिएटेड बाय द स्टेट एक्शन। इसीलिए आर एस शर्मा इसको भी अबव से ही मानते हैं कि स्टेट की वजह से ये बना था। तो स्टेट ने लैंड के साथ साथ जुडिशियल और पुलिस पावर भी दे दी, जिससे ये जो न्यू क्लास ऑफ इंटरमीडियरीज थी, ये काफी ज्यादा एक तरह से पावरफुल हो गई, और ये जो सिस्टम था दैट बिकेम अ सिस्टम काइंड ऑफ विच इज सिमिलर टू सर्फडम। तो सर्फडम की तरह ये बन गया, बिकॉज कि पेशेंट्स के पास अब ज्यादा राइट नहीं रहे थे। उससे रिलेट करते हैं आर एस शर्मा कि मिडेवल यूरोप में जो सर्फडम था, कुछ कुछ स्थिति वैसी ही इंडिया में भी बन गई। अब ये जो इंडियन फ्यूडलिज्म की थ्योरी है आर एस शर्मा द्वारा, दैट वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय BNS यादवा एंड DN झा। लेकिन DN झा बोलते हैं कि आर एस शर्मा इस थ्योरी में ज्यादा रिलाई कर रहे हैं ऑन एब्सेंस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस एक्सटर्नल ट्रेड, तो इस पॉइंट को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देन DC सरकार, इन्होंने भी जो थ्योरी ऑफ फ्यूडलिज्म है उसको इन्होंने अपोज किया है। देन यूरोप के अंदर भी बाद के समय में ट्रेड और फ्यूडलिज्म के जो लिंक्स बनाए जा रहे थे, ज्यादा ज्यादा ट्रेड के ऊपर रिलाई किया जा रहा था फ्यूडलिज्म के रिलेशन को बनाने के लिए, उसको भी बाद में क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, और बाकी भी जो दूसरे फैक्टर्स थे उनको भी डिस्कशन उसका स्टार्ट हुआ। तो अब हम देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस 1979 का, जो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का 40th सेशन था, उसके अंदर एक टॉपिक लिया गया, वाज देयर फ्यूडलिज्म इन इंडिया, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसके मेन ऑथर थे हरबंस मुखिया। इन्होंने इंडियन फ्यूडलिज्म के ऊपर जो थियरी दी थी उसको इन्होंने क्वेश्चन किया था। इन्होंने सबसे पहले तो इसी चीज को क्वेश्चन कर दिया कि फ्यूडलिज्म का यूनिवर्सल नेचर जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन किया कि यूनिवर्सली फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और अगर ये कुछ जगह पे यूरोप के अलावा एग्जिस्ट भी करता है तो वो वेरिएशंस में ही एग्जिस्ट कर पाएगा ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। देन ये अपनी थ्योरी को लेजिटिमाइज करने के लिए ये कुछ हमें जो चीजें बताते हैं, दैट इज ही डज द कंपैरिजन बिटवीन मिडेवल वेस्टर्न यूरोप एंड मिडेवल इंडिया। इसमें ये कुछ फैक्टर्स को यूज करते हैं। पहला हो गया इकोलॉजिकल कंडीशंस क्या थी यहाँ पे, देन दूसरा एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कौन सी अवेलेबल थी, एंड तीसरा एग्रीकल्चरल लेबर की सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी। ये दो रीजन्स के बीच में ये जो तीन चीजें हैं इनके ऊपर इन्होंने जो है कंपेयर किया है इन दोनों रीजन्स को। तो हम भी इसमें देख लेते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इनका कहना है कि जो वेस्टर्न यूरोप है उसमें सनशाइन एक साल में सिर्फ 4 महीने ही रहती है। देन दूसरी चीज इन्होंने बताई कि टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए हाईली लेबर इंटेंसिव था एग्रीकल्चर,
और क्रॉप्स की यील्ड भी काफी कम थी। अब 4 महीने की ही यहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती थी। सो ये 4 महीने में जो लेबर की डिमांड थी वो काफी इंटेंस हुआ करती थी। इस कारण सर्फडम में सॉल्यूशन मिला। अब सर्फडम में क्या सॉल्यूशन था कि जो कुछ पेशेंट्स हैं वो एक लैंड के साथ लिंक कर दिए जाएंगे और वो उसी लैंड के ऊपर काम करेंगे। सो असेंशियली उस लैंड के ऊपर उनको काम करना पड़ेगा। सो इस तरह से लॉर्ड्स ने सर्फ्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब सर्फ्स को अपनी फील्ड्स के ऊपर भी काम करना था, तो एक जो स्ट्रगल जो सर्फ्स और लॉर्ड्स के बीच में बना रहा उससे टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट आई और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। और उसके बाद 12th सेंचुरी में एक रैपिड पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ यूरोप के अंदर, जिससे जो लेबर की जो स्कैरसिटी थी वो कम हो गई। लेकिन ये प्रोसेस ब्लैक डेथ की वजह से अपसेट हुई mid-14th सेंचुरी में। सो ब्लैक डेथ में एक काफी बड़ी परसेंटेज जो थी यूरोपियन पॉपुलेशन की वो पेरिश हो गई थी। तो फिर से जो लेबर का जो नंबर था वो कम हो गया। तो फिर से एक तरह से सिचुएशन वापस से वैसे ही होने के हालात बन रहे थे। लेकिन इसी कारण से क्या हुआ, क्योंकि अब ये जो लेबर थे इन्होंने इंडिपेंडेंट रहना इनको आदत पड़ गई थी, तो अब लॉर्ड्स ने इनको वापस से जब इसी सिस्टम में सर्फडम के अंदर वापस लाने की कोशिश की, तो यूरोप के अंदर काफी सारी रेबेलियंस हुई। और हमने देखा कि इस इसके बाद जो रेनेसा है वो यूरोप के अंदर आना शुरू हो गया। देन उसके बाद इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी कि सर्फडम जैसी जो एक सिस्टम है वो वापस यूरोप के अंदर आए। अब इन चीजों को हम कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ। सो इंडिया की एनवायरमेंटल कंडीशन देखें तो काफी कंड्यूसिव है एग्रीकल्चर के लिए। देन लैंड की प्रोडक्टिविटी भी अगर उस समय दोनों की कंपेयर करें तो इंडिया की लैंड प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा अच्छी थी। देन इंडिया के अंदर एक साल में 2 क्रॉप्स लगाई जा सकती थी इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। देन ये बोलते हैं कि जो इंडिया की पेशेंट इकोनॉमी थी दैट वाज फ्री, वो सर्फडम की तरह नहीं है जहां पे इनको बांध के रखा जाता था। लेकिन ये बेगार की बात भी करते हैं, तो बेगार में ये कहते हैं कि बेगार वॉज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल वर्क बट वॉज एसोसिएटेड विद नॉन एग्रीकल्चरल वर्क। सो इन बेगार इसलिए सर्फडम से हम रिलेट नहीं कर सकते। देन हम आर एस शर्मा पे वापिस आते हैं। इन्होंने हाउ फ्यूडल वॉज इंडियन फ्यूडलिज्म बाद में थीसिस दी थी, और जो इनकी पहली थीसिस थी उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे। तो पहली में हमने देखा कि इनका मेजर फोकस रहा था इकोनॉमिक चीजों पे। अब इन्होंने इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस सोसाइटी के अंदर दोनों को ही पॉइंट रखा। सो इसी की वजह से जो इकोनॉमिक फॉर्मेशन थी उसमें चेंजेस आए। अब ये जो इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस है इसको उस समय के जो लोग थे उन्होंने कलयुग के नाम से जाना और बोला कि काफी ज्यादा सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और वो क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। और ये इन्होंने स्टेट एक्शन के अलावा पॉइंट बताया है। तो स्टेट एक्शन तो था ही, उसके साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस भी देखने को मिली सोसाइटी के अंदर। देन BNS यादवा की अगर बात करें तो इन्होंने भी कलयुग वाला जो पार्ट है इसके नोशन को स्टडी किया, और इन्होंने माना कि मिडेवल इंडियन लिटरेचर में इस चीज को यूज किया गया है और बोला गया है कि काफी ज्यादा क्राइसिस इस समय इकोनॉमिक और सोशल में सोसाइटल पार्ट में देखी गई। सो इन्होंने भी कलयुग के नोशन को एक्सेप्ट किया था इन मिडेवल टाइम्स। तो BNS यादव इसी चीज को सामने लाते हैं। देन आर एस शर्मा ने फिर से एक जो कुछ कलेक्शन ऑफ एसेज दी थी इन अर्ली मिडेवल इंडियन सोसाइटी, अ सोसाइटी इन फ्यूडलाइजेशन, इसमें इन्होंने आइडियोलॉजिकल और कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी सामने लाए, ये जिसमें जो ये कहते हैं कि रिफ्लेक्ट होते हैं इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देन जो ग्रेटिट्यूड और लॉयलिटी के आइडियाज हैं टूवर्ड्स द लॉर्ड उसमें, एंड तीसरा बाकी जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर भी ये इन जो जो फ्यूडल कैरेक्टर है वो ये देखते हैं। देन DN झा ने कुछ कलेक्शन ऑफ एसेज लिखी है, इन्होंने दिए थे द फ्यूडल ऑर्डर स्टेट सोसाइटी एंड आइडियोलॉजी इन अर्ली मिडेवल इंडिया। इसमें इन्होंने कल्चरल और आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस जो थे फ्यूडल ऑर्डर के उनके ऊपर फोकस किया। और ये यहां तक भी बोलते हैं अलोंग विद सम अदर प्रोपोनेंट्स, ये कहते हैं कि जो भक्ति मूवमेंट थी दैट वाज अनदर फॉर्म ऑफ ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। सो मैक्सिमम जो देखिए हिस्टोरियंस हैं उन्होंने भक्ति मूवमेंट को एज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट बोला है, जो उस समय रिजिड सोसाइटी बन रही थी उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुई थी उसको भक्ति मूवमेंट बोला जा रहा था। और मैक्सिमम जो हिस्टोरियंस है वो इस बात में एकमत है कि ये प्रोटेस्ट मूवमेंट से अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। लेकिन DN झा का कहना है कि इट वॉज एनदर फॉर्म ऑफ ब्राह्मणिकल डोमिनेशन जिसके थ्रू दिमाग में ऐसी चीजें डाल दी जाती है कि टोटल सरेंडर और टोटल सब्जेक्शन कर दिया जाए टूवर्ड्स वन डेटी। ठीक है, तो इसी सरेंडर और लॉयलिटी की जो चीजें हैं जो माइंड सेट है दैट कुड बी यूज टू टू
that could be used to get these people loyal to a feudal lord. तो इस तरह से डीएन झा रिलेट करते हैं इसको फ्यूडलिज्म को विद भक्ति मूवमेंट. देन अब जो इंडियन फ्यूडलिज्म के जो मेजर फीचर्स हैं, डिक्लाइनिंग ट्रेड और अर्बनाइजेशन, इस चीज को भी चैलेंज करते हैं बी डी चट्टोपाध्याय, राणाबीर चक्रवर्ती एंड जॉन डेन. तो इनका कहना है कि ट्रेड हमेशा इंडिया में कम नहीं हुआ, हालांकि कुछ इंडिया के कुछ पार्ट्स थे जहां पे ट्रेड कम होता रहा, चाहे वो हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात कर लें. तो जो नॉर्दर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स थे वहां पे जरूर ट्रेड में कमी आई विद अदर कंट्रीज, लेकिन उसकी भरपाई जो है वो सदर्न इंडिया में मिल जाती है हमें. जैसे कि हमने पहले स्टडी किया है चोलास के बारे में, सो चोलास के बारे में ओवरसीज ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ चुका था विद चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. तो इस चीज को ये यहाँ पे फोकस में ला रहे हैं. देन दूसरी चीज ये अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, कि अर्बनाइजेशन में ये भी यही बोल रहे हैं कि कुछ एरियाज अगर डीअर्बनाइज हुए थे तो कुछ एरियाज अर्बनाइज भी हुए, तो कुछ पुराने सिटीज डीअर्बनाइज हो गए और उनकी जगह कुछ नई सिटीज दोबारा जो है इमर्ज होकर सामने आए. तो ये इनका मत है. देन एक और जो क्वेश्चन इसमें उठता है कि जो आर एस शर्मा ने जो फ्यूडलिज्म का पीरियड दिया है दैट इज फ्रॉम 300 to 1100 AD. अब जो जो 1100 AD से जो कोलोनियल पीरियड का टाइम है, दैट मींस कि ब्रिटिश ने जब इंडिया के अंदर रूल करना शुरू किया तब का जो 1100 टू रफली 1800 जो एडी है, 700 साल का जो डिफरेंस है, उसको किस तरीके से कैरेक्टराइज किया जाए. सो 300 टू 1100 एडी तो हो गया फ्यूडलिज्म, 1100 एडी टू 1800 एडी उसका कुछ भी कैरेक्टराइजेशन नहीं दिया आर एस शर्मा ने. सो डेफिनेटली इट वॉज नॉट कैपिटलिज्म. सो कैपिटलिज्म नहीं है तो वो क्या है? सो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है. देन बोला जाता है कि डी डी कोसाम्बी ने इस फ्यूडलिज्म के जो पीरियड है वो 300 से लेके लगभग 17th century तक इन्होंने बढ़ा दिया उसको. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन होता है कि 1400 ईयर्स के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि इकोनॉमी एक तरह की रहे, तो उसमें जरूर चेंजेस आएंगे, तो वो चेंजेस भी जो है सामने इसमें नहीं लाए गए. तो 1400 ईयर्स तक कोई भी ऐसा पीरियड नहीं होगा जो स्टेगनेंट होकर चलता रहे, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं हो सकती. सो ये हमने कुछ जो पॉइंट ऑफ व्यू है स्टूडेंट्स के वो डिस्कस किए हैं इसमें. सो फ्यूडलिज्म इतना हो गया हमारा. सो आई होप कि ये लेक्चर से आपको फायदा मिलेगा फ्यूडलिज्म का आंसर करने में. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस.